आज का प्रातः क्लास है 13 जनवरी 1969। अभी रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है और पुरानी दुनिया में दुख है, अर्थात नई दुनिया में दुख रिंचक मात्र नहीं हो सकता और पुरानी दुनिया में सुख शाश्वत नहीं हो सकता। नई दुनिया में शाश्वत सुख है और पुरानी दुनिया में शाश्वत दुख है। और दुख की बात में सभी प्रकार के दुख आ जाते हैं और सुख में भी सभी प्रकार के सुख आ जाते हैं। तो देखो, दुख की दुनिया में सुख का नाम निशान नहीं और सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। अर्थात जहां पाप है वहां पुण्य का नाम निशान नहीं और जहां पुण्य है वहां पाप का नाम निशान नहीं। अब बताओ वो कौन सी जगह है जहां पाप का नाम निशान नहीं? वो है सतयुग। और जहां पुण्य का नाम निशान नहीं वो है कलयुग। ये तो जरूर बच्चों की बुद्धि में होगा कि अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। और ये जरूर सभी की बुद्धि में नंबर वार होगा, एक जैसा नहीं हो सकता। हम अभी इस कलयुगी छीछी दुनिया से उस पार सतयुग अथवा राम राज्य में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सतयुग में अथवा राम राज्य में जा रहे हैं। सतयुग में राम राज्य होता है या कृष्ण नारायण का राज्य होता है? है कृष्ण का नारायण का राज्य होता है। कृष्ण सो ही बड़े हो के नारायण बनता है, कहते भी है हे कृष्ण नारायण राज नारायण वासुदेव। तो नारायण और कृष्ण तो एक ही बात हो गई। तो सतयुग में राम राज्य कहे हैं या कृष्ण नारायण का राज्य कहे हैं? राम राज्य क्यों कह दिया सतयुग को? क्योंकि कृष्ण भी नई सृष्टि की रचना है। पहला सत्वप्रधान पत्ता है। रचना के पीछे कौन होता है? रचयिता होता है। पहले रचयिता या रचना? पहले रचयिता। तो जरूर रचयिता ने वो रचना रची है जिसे सतयुग 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। तो रचयिता कौन हुआ? पहला पत्ता कृष्ण कहे या कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला बीज कहे? जरूर कहेंगे बीज। और बीज का फाउंडेशन सतयुग में पड़ता है या संगम में पड़ता है? संगम में पड़ता है। तो कहेंगे
संगम से ही सतयुग का फाउंडेशन पड़ गया। उसे कहेंगे स्वर्णिम संगम युग। तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है, दोनों का संगम है पुरुषोत्तम संगम युग। ऐसे नहीं कहेंगे कि जो दुख देता है सोई सुख देता है, अथवा जो सुख देता है वो ही दुख देता है। हैं? कहेंगे कि नहीं, नहीं कहेंगे। जिसने आपको दुख दिया है उसने आपको कभी सुख दिया होगा? ऐसा नहीं हो सकता। जिसने सुख दिया है वो दुख भी दे सकता है कि नहीं दे सकता है? फिर ये बात कौन सी बोली कि ऐसे नहीं, जो सुख देता है वो ही दुख देता है। अगर ऐसा हो तो परमपिता परमात्मा को कोई याद भी नहीं करे, फिर तो प्रजापिता को ही याद करने लग पड़ेंगे, राम वाली आत्मा को ही याद करने लग पड़े। राम वाली आत्मा सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, परंतु नई सृष्टि का रचयिता नहीं है। उसमें रचने वाला परमपिता परमात्मा शिव ही है। तो देखो शिव बाप ही सुख देते हैं, दुख माया रावण देती है। उस दुश्मन का एक ही चित्र है जो हर वर्ष उनकी एफिजी बनाकर जलाते हैं। उस चित्र में क्या खासियत है? राम के चित्र के मुकाबले उसको अनेक सिर हैं और राम को एक सिर देते हैं। एफ जी दुख देने वाले का ही हमेशा बनाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उनका राज्य पूरा होता है तो वो रावण हमेशा के लिए खलास हो जाता है। तो बच्चे जानते हो हमारे द्वारा ही रावण अर्थात दुख का विनाश हो जाएगा? दुख देने वाले ये पांच विकारों रूपी रावण हैं। और ये पांच विकार आत्मा में होते हैं या शरीर में होते हैं? शरीर है? पांच विकार शरीर में होते हैं या आत्मा में? आत्मा में ही पांच विकार होते हैं, परंतु शरीर तो जरूर चाहिए। पांच विकारों का दुख भोगने के लिए भी शरीर चाहिए और पांच विकारों का सुख भोगने के लिए, विकारी सुख भी होता है ना, वो भी सुख भोगने के लिए शरीर जरूर चाहिए। तो मुखिया कौन है और असिस्टेंट कौन है? है आत्मा है मुखिया, शरीर है असिस्टेंट। तो रावण हो गया मुखिया और मंदोदरी हो गई असिस्टेंट। इसलिए कहते हैं माया रावण। बच्चे जानते हैं अभी उन माया रावण का राज्य पूरा होता है तो फिर वो हमेशा के लिए खलास हो जाते हैं। ढाई हजार साल के लिए न माया रहेगी
और ना रुलाने वाला रावण रहेगा। तुम बच्चे जानते हो कि हमारे द्वारा ही रावण अर्थात दुख का विनाश हो जाएगा। हमारे माने किसके? हमारे में एक तो आते नहीं है, एक आता है या कम से कम दो आते हैं? कम से कम दो चाहिए। तो वो मूल रूप में कम से कम दो कौन हैं जिनके द्वारा कहें कि हमारे द्वारा ही रावण का अर्थात दुख का मूल रूप में विनाश हो जाएगा? है? अरे बाप दादा, बाप दादा, दादा को भी समझ लिया है? बाप और दादा, हाँ, दुख देने वाले ये पांच विकारों वाले रावण हैं। तुम यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये याद रहे हम अपने बाबा के पास जावे। रावण को तो बाप नहीं कहते हैं, कब किसी ने सुना कि रावण हमारा बाप है? रावण को कोई परमपिता परमात्मा कहते होंगे? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जो भी रावण संप्रदाय हैं, उनका भी परमपिता एक ही है, वही। और जो राम संप्रदाय हैं, उनका तो है ही है। परमात्मा कहेंगे रावण को? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? राम ही रावण बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। फिर कहेंगे क्यों नहीं? परमात्मा आत्माओं के बीच में परम पाटधारी। अरे दुख देने वाला है, लेकिन सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, नंबरवार दुख देने वाली हैं कि एक जैसा दुख देने वाली है? तो कौन है? फिर ये तो ढेर सारे गिना दिए। काम क्रोध लोभ में भी अगर गिनाए तो काम विकार मुख्य है, और काम विकार का भी कोई बाप है या नहीं है? है? कौन है? देह अभिमान उसका भी बाप है। तो मूल बात किसके ऊपर आ जाती है? देह अभिमान के ऊपर आती है। तो देखो, रावण को परमपिता परमात्मा कभी नहीं कहेंगे। हाँ, इतनी छोटी बुद्धि है तो समझते हैं कि लंका में रावण था। ये कमकल होने की बात है। अब तुम बच्चों को तो समझाया गया है कि ये सारी दुनिया क्या है? सारी दुनिया लंका है। कहते हैं वास्को डिगामा ने चक्कर लगाया स्टीमर के रास्ते से। जिस समय उसने चक्कर लगाया उस समय स्टीमर आदि तो नहीं थे, क्या थे? हैं? हाँ, बोट थी। ट्रेन भी स्टीम पर चलती है, बिजली अलग चीज है। तो बच्चों को ये अच्छी रीत बुद्धि में है कि नई दुनिया को सुखधाम और पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का बदलना कैसे होता है
ये तुम जानते हो।